प्रणाम दर्शकों, नचिकेता और यमराज के बीच हुए संवाद का उल्लेख हमें कठोपनिषद में मिलता है। इस संवाद कथा के अनुसार नचिकेता के पिता जब विश्वजीत यज्ञ के बाद बूढ़ी एवं बीमार गायों को ब्राह्मणों को दान में देने लगे तो नचिकेता ने अपने पिता से पूछा कि आप मुझे दान में किसे देंगे। तब नचिकेता के पिता क्रोध से भर कर बोले कि मैं तुम्हें यमराज को दान में दूंगा। चूंकि ये शब्द यज्ञ के समय कहे गए थे, अतः नचिकेता को यमराज के पास जाना ही पड़ा। यमराज अपने महल से बाहर थे, इस कारण नचिकेता ने 3 दिन एवं 3 रातों तक यमराज के महल के बाहर प्रतीक्षा की। 3 दिन बाद जब यमराज आए तो उन्होंने इस धीरज भरी प्रतीक्षा से प्रसन्न होकर नचिकेता से 3 वरदान मांगने को कहा। नचिकेता ने पहले वरदान में कहा कि जब वह घर वापस पहुंचे तो उसके पिता उसे स्वीकार करे एवं उसके पिता का क्रोध शांत हो। दूसरे वरदान में नचिकेता ने जानना चाहा कि क्या देवी देवता स्वर्ग में अजर एवं अमर रहते हैं और निर्भय होकर विचरण करते हैं। इसके उत्तर में तब यमराज ने नचिकेता को अग्नि ज्ञान दिया, जिसे नचिकेताग्नि भी कहते हैं। नचिकेताग्नि की विस्तृत व्याख्या, जब व्यक्ति ब्रह्मचारी से गृहस्थ में प्रवेश करता है, दोनों आश्रमों के बीच को संधि गुजरता है और उसके बाद गृहस्थ से वानप्रस्थ में प्रवेश करता है तो एक और संधि से गुजरता है, वानप्रस्थ से संन्यास में प्रवेश करता है तब वानप्रस्थ संन्यास की संधि से गुजरता है। इन 3 संधियों में से गुजरना, इन्हें पार करना ही 3 कर्म है। जो इन 3 संधियों से नहीं गुजरता वह किसी न किसी आश्रम में अटक जाता है। इस प्रकार प्रत्येक संधि में से गुजरने से एक एक स्वर्ग साधक अग्नि उत्पन्न होती है। अग्नि उत्पन्न ही संधि से 2 वस्तुओं के मेल से होती है। एक संधि के बाद एक एक नचिकेत अग्नि प्रकट होती है जो मनुष्य को स्वर्ग अर्थात अमृत की ओर ले जाती है। 3 संधियों से गुजर कर त्रिनचिकेत अग्नि की साधना होती है। इन 3ों से गुजरने को ही ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। जो व्यक्ति दिव्य गुणों से युक्त स्तुति के योग्य ब्रह्म यज्ञ को जान जाता है, उसके विषय में निश्चय कर लेता है, वह अत्यंत शांति को प्राप्त होता है। ब्रह्म का अर्थ है महान होना, बढ़ना, अपना विस्तार करना, जीवन को संकुचित करने का नाम ब्रह्म यज्ञ नहीं है। 4 आश्रमों से गुजरना ही वास्तविक ब्रह्म यज्ञ है। उसी से व्यक्ति महान होता है क्योंकि वह 3 अग्नियों में तपता है। 3वें वरदान में नचिकेता ने पूछा कि हे यमराज, सुना है कि आत्मा अजर अमर है, मृत्यु एवं जीवन का चक्र चलता रहता है, लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। नचिकेता ने पूछा कि इस मृत्यु एवं जन्म का रहस्य क्या है, क्या इस चक्र से बाहर आने का कोई उपाय है। तब यमराज ने कहा कि यह प्रश्न मत पूछो, मैं तुम्हें अपार धन, संपदा, राज्य इत्यादि इस प्रश्न के बदले दे दूंगा। लेकिन नचिकेता अधिग्रह और तब यमराज ने नचिकेता को आत्मज्ञान दिया। नचिकेता द्वारा प्राप्त किया गया आत्मज्ञान आज भी प्रासंगिक और विश्व प्रसिद्ध है। सत्य हमेशा प्रासंगिक ही होता है। आत्मा अजर अमर है। जीवात्मा के विकास की 4 अवस्थाएं हैं। जीवात्मा हंस है, वसु है, होतक है, अतिथि है। जब जीवात्मा उत्तर विकास करता जाता है तब ये अवस्थाएं प्राप्त होती जाती हैं। जीवात्मा जब हंस की तरह जीवन व्यतीत करता है, जैसे हंस पानी में रहकर पानी में नहीं भीगता है, उसी प्रकार से जीवात्मा संसार में रहकर संसार में लिप्त न हो, यह पहली विकसित अवस्था है। इस तरह का अभ्यास करने वाले को कहा जाता है कि वह नर देह में वास कर रहा है, इससे नीचा तो पशु समान है, यह ब्रह्मचर्य की अवस्था है। इसके बाद 2री अवस्था आती है, वसु की अवस्था। यह वो अवस्था है जब मनुष्य वसु की तरह अपना जीवन व्यतीत करता है, अर्थात स्वयं भी वसता है तथा दूसरों को भी बसाता है, दूसरों की हर संभव मदद करता है। वह मानो नर देह से उत्तम शरीर में वास कर रहा है, इसे वर देह भी कहते हैं। यह गृहस्थ की अवस्था है। 3री विकसित अवस्था होतक की आती है। जिस प्रकार से हवन करते समय सामग्री को हवन में अर्पित किया जाता है, इसी प्रकार से जब मनुष्य अपने आप को समाज के लिए अर्पित कर दे, अब उसका अपना कुछ नहीं है, अपना सर्वस्व दूसरों के उपकार के लिए समर्पित करने लगे, वह प्रत्येक वस्तु को अपना न समझकर परमात्मा की समझता है और त्याग भावना अपनाकर जीवन जीता है, यह रीत देह अवस्था भी कहलाती है। रीत अर्थात निरपेक्ष सत्य। इस अवस्था में वह समझ जाता है कि संसार के विषय रीत नहीं है, सिर्फ परमात्मा ही रीत है, निरपेक्ष सत्य वही परमात्मा है। इस अवस्था को वानप्रस्थ की अवस्था भी कहते हैं। इससे और अधिक विकसित 4थी अवस्था अतिथि है। जब मनुष्य इस देह के वास को अतिथि की तरह समझने लग जाता है, अब मनुष्य अपने ज्ञानरूपी धन से समाज का घूम घूम कर उपकार करता है, कहीं भी स्थायी रूप से नहीं रहता और पूर्ण रूप से परमात्मा को समर्पित हो जाता है, वह अत्यंत ऊंचा उठ जाता है, इसे व्योमदेह भी कहते हैं। वास्तव में यह अवस्था संन्यास की अवस्था है। इस प्रकार से जो अपनी आत्मा को रथी और देह को रथ समझ कर तथा जीवन को आश्रमों की यात्रा मानकर इस यात्रा को निभाता है, वह ज्ञानात्मा से महानात्मा और फिर महानात्मा से शांतात्मा हो जाता है। उसी में 3ों नचिकेत अग्नियां प्रदीप्त होती हैं और वही ब्रह्मयज्ञ के वास्तविक अर्थ को समझता है। इस उपनिषद में एक गूढ़ ज्ञान की बातों को एक कथानक का रूप देकर समझाया गया है और जिसका भावार्थ सत्य और समझना जरूरी है।
इसलिए कथा के मूल भाव पर ध्यान देना जरूरी है, न कि काल्पनिक व्यक्ति की खोज करने और किसी अन्य कथा से जोड़ने का कोई प्रयास न किया जाए। इस कथा में दो मुख्य पात्र है, नचिकेता और यमराज। यहाँ नचिकेता का अर्थ है जिज्ञासु और यमराज का अर्थ है मृत्यु के देवता। धर्मराज यानी वो जिसको यम नियम धर्म आदि का पूर्ण ज्ञान हो, यानी यमराज जिसकी ज्ञान क्षेत्र इतना विशाल हो कि उसको धारण करने से कोई भी व्यक्ति मृत्यु से अमरता की ओर जा सकता है। इसलिए इसमें एक जिज्ञासु दूसरे विद्वान से प्रश्न करता है। कठोपनिषद में यमराज नचिकेता संवाद का वर्णन संक्षिप्त में इस प्रकार है। एक, नचिकेता प्रश्न, किस तरह शरीर से होता है ब्रह्म का ज्ञान व दर्शन? यमराज उत्तर, मनुष्य शरीर दो आँख दो कान दो नाक के छिद्र एक मुंह ब्रह्मरंध्र नाभि गुदा और शिशन के रूप में 11 दरवाजों वाले नगर की तरह है, जो ब्रह्म की नगरी ही है। वे मनुष्य के हृदय में रहते हैं। इस रहस्य को समझकर जो मनुष्य ध्यान और चिंतन करता है उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। ऐसा ध्यान और चिंतन करने वाले लोग मृत्यु के बाद जन्म मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। दो, नचिकेता प्रश्न, क्या आत्मा मरती या मारती है? यमराज उत्तर, जो लोग आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं वे असल में आत्मा को नहीं जानते और भटके हुए हैं। उनकी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए क्योंकि आत्मा न मरती है न किसी को मार सकती है। तीन, नचिकेता प्रश्न, कैसे हृदय में माना जाता है परमात्मा का वास? यमराज उत्तर, मनुष्य का हृदय ब्रह्म को पाने का स्थान माना जाता है। यमदेव ने बताया मनुष्य ही परमात्मा को पाने का अधिकारी माना गया है। उसका हृदय अंगूठे की माप का होता है, इसलिए इसके अनुसार ही ब्रह्म को अंगूठे के आकार का पुकारा गया है। और अपने हृदय में भगवान का वास मानने वाला व्यक्ति यह मानता है कि दूसरों के हृदय में भी ब्रह्म इसी तरह विराजमान है, इसलिए दूसरों की बुराई या घृणा से दूर रहना चाहिए। चार, नचिकेता प्रश्न, क्या है आत्मा का स्वरूप? यमराज उत्तर, यमदेव के अनुसार शरीर के नाश होने के साथ जीवात्मा का नाश नहीं होता। आत्मा का भोग विलास नाशवान अनित्य और जड़ शरीर से इसका कोई लेना देना नहीं है। यह अनंत अनादि और दोष रहित है। इसका कोई कारण है न कोई कार्य, यानी इसका न जन्म होता है न मरती है। पांच, नचिकेता प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति आत्मा परमात्मा के ज्ञान को नहीं जानता है तो उसे कैसे फल भोगना पड़ते हैं? यमराज उत्तर, जिस तरह बारिश का पानी एक ही होता है लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर बरसने से वही जगह नहीं रुकता और नीचे की ओर बहता है, कई प्रकार के रंग रूप और गंध में बदलता है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा से जन्म लेने वाले देव असुर और मनुष्य भी भगवान को अलग अलग मानते हैं और अलग मानकर ही पूजा करते हैं। बारिश के जल की तरह ही सुर असुर कई योनियों में भटकते रहते हैं। छह, नचिकेता प्रश्न, कैसा है ब्रह्म का स्वरूप और वे कहाँ और कैसे प्रकट होते हैं? यमराज उत्तर, ब्रह्म प्राकृतिक गुणों से एकदम अलग है। वे स्वयं प्रकट होने वाले देवता है। इनका नाम वसु है। वही मेहमान बनकर हमारे घरों में आते हैं। यज्ञ में पवित्र अग्नि और उसमें आहुति देने वाले भी वसु देवता ही होते हैं। इसी तरह सभी मनुष्यों श्रेष्ठ देवताओं पितरों आकाश और सत्य में स्थित होते हैं। जल में मछली हो या शंख, पृथ्वी पर पेड़ पौधे अंकुर अनाज औषधि हो या पर्वतों में नदी झरने और यज्ञ फल के तौर पर भी ब्रह्म ही प्रकट होते हैं। इस प्रकार ब्रह्म प्रत्यक्ष देव हैं। सात, नचिकेता प्रश्न, आत्मा निकलने के बाद शरीर में क्या रह जाता है? यमराज उत्तर, जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसके साथ प्राण और इंद्रिय ज्ञान भी निकल जाता है। मृत शरीर में क्या बाकी रहता है यह नजर तो कुछ नहीं आता, लेकिन वह परब्रह्म उस शरीर में रह जाता है जो हर चेतन और जड़ प्राणी में विद्यमान है। आठ, नचिकेता प्रश्न, मृत्यु के बाद आत्मा को क्यों और कौन सी योनियां मिलती हैं? यमराज उत्तर, यमदेव के अनुसार अच्छे और बुरे कामों और शास्त्र गुरु संगति शिक्षा और व्यापार के माध्यम से देखी सुनी बातों के आधार पर पाप पुण्य होते हैं। इनके आधार पर ही आत्मा मनुष्य या पशु के रूप में नया जन्म प्राप्त करती है। जो लोग बहुत ज्यादा पाप करते हैं वे मनुष्य और पशुओं के अतिरिक्त अन्य योनियों में जन्म पाते हैं। अन्य योनियां जैसे पेड़ पौध पहाड़ तिनके आदि। नौ, नचिकेता प्रश्न, क्या है आत्मज्ञान और परमात्मा का स्वरूप? यमराज उत्तर, मृत्यु से जुड़े रहस्यों को जानने की शुरुआत बालक नचिकेता ने यमदेव से धर्म अधर्म से संबंध रहित कार्य कारण रूप प्रकृति भूत भविष्य और वर्तमान से परे परमात्म तत्व के बारे में जिज्ञासा कर की। यमदेव ने नचिकेता को उनको प्रतीक रूप में परब्रह्म का स्वरूप बताया। उन्होंने बताया कि अविनाशी प्रणव यानी ओंकार ही परमात्मा का स्वरूप है। ओंकार ही परमात्मा को पाने के सभी आश्रयों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और अंतिम माध्यम है। सारे वेद कई तरह के छंदों व मंत्रों में यही रहस्य बताए गए हैं। जगत में परमात्मा के इस नाम व स्वरूप की शरण लेना ही सबसे बेहतर उपाय है। तुम मित्रों, यह था नचिकेता और यमराज के बीच संवाद जो कठोपनिषद में प्रस्तुत है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रणाम दर्शकों।